आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों थायराइड में परहेज जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। मानव के शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो शरीर के पाचन तंत्र और शरीर के सही से काम करने के लिए जरूरी रस और हार्मोन का स्राव करती हैं। उन्हीं ग्रंथियों में से एक ग्रंथि होती है थायराइड। ये ग्रंथि गर्दन की श्वास नली के ठीक ऊपर स्वर यंत्र के दोनों तरफ दो हिस्सों में बटी हुई होती है और ये देखने पर बिल्कुल एक तितली के समान प्रतीत होती है। इस ग्रंथि का मुख्य काम होता है शरीर के लिए थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करना। इस हार्मोन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और यह प्रोटीन का उत्पादन करता है और बाकी हार्मोन को नियंत्रित रखता है। इसके साथ ही थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखकर भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। इस ग्रंथि में कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं जिसे हम थायराइड की समस्या कह सकते हैं। थायराइड की समस्या के बारे में हमें शुरुआत से किसी भी प्रकार के कोई संकेत नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे करके इनके संकेतों के बारे में हमें पता लगने लगता है। शुरू में गले पर एक छोटी सी गांठ हो जाती है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण अपनी लापरवाही के चलते हम थायराइड की समस्या को बुलावा दे देते हैं। ये धीरे धीरे गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ये गांठ का आकार बढ़ने लगता है और ये थायराइडिस का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में देखे होंगे जो आपको थायराइड के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन दोस्तों थायराइड में परहेज ही उपचार माना जाता है। अगर आप थायराइड में हमारे द्वारा बताए गए इन परहेजों को मानेंगे तो आप अपनी बीमारी को हमेशा काबू में रखेंगे, आपका जीवन स्मूथली चलेगा। थायराइड गले से जुड़ी एक ऐसी समस्या है। थायराइड के बढ़ जाने से दिक्कत होने लगती है, महिलाएं इसकी सबसे अधिक शिकार होती हैं। तो दोस्तों अब हम थायराइड के परहेज के बारे में जान लेते हैं जो हमारे गले को नुकसान पहुंचाते हैं। उन चीजों से हमें तौबा कर लेनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, कैफीन आपने नाम सुना होगा। कैफीन के द्वारा थायराइड तो नहीं बढ़ता, लेकिन यह हमारे शरीर में उन परेशानियों को बढ़ा देता है जिससे थायराइड की परेशानी पैदा होती है, इसलिए हमें कैफीन से बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा है रेड मीट। रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। जो लोग थायराइड से परेशान होते हैं उनके शरीर में जलन की समस्या रहती है, इसलिए कृपया करके वो रेड मीट से बचें। अगर रेड मीट से वो बचेंगे तो अपने थायराइड को काबू में कर पाएंगे। दोस्तों एल्कोहलिक अगर कोई है, जैसे शराब बियर आदि जो चीजें अगर कोई पीता है, तो इनको आज से ही बंद कर देना चाहिए थायराइड के मरीजों को, क्योंकि ये एनर्जी के लेवल को प्रभावित करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से थायराइड वाले रोगियों में नींद की दिक्कत आने लगती है। इसके साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों अगर कोई वनस्पति घी खाता है यानी डालडा खाता है, तो उसको बिल्कुल आज से बंद कर देना चाहिए, यानी थायराइड वाले लोगों को उसका प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। जिन लोगों के थायराइड की परेशानी होती है उनमें ये अधिक थायराइड को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए और हमें बिल्कुल भी वनस्पति घी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर से आयोडीन लेकर थायराइड हार्मोन को पैदा करता है, इसलिए जो लोग इससे अधिक परेशान रहते हैं उन्हें इसे खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये बचाव करते हैं तो आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।